राम मंदिर बाबरी विवाद को लेकर पूर्व गृह सचिव माधव गोडबोले ने रविवार को एक खुलासा किया। गोडबोले ने कहा कि 1992 में बाबरी की सुरक्षा के लिए हमने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव प्रेसिडेंट रूल पर अपनी शक्तियों को लेकर संशय में थे। गोडबोले 1992 में गृह सचिव के पद पर थे और उन्होंने द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा एन एसिड टेस्ट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब लिखी है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बड़ी संख्या में कारसेवक इकट्ठा हुए थे। कारसेवा के दौरान इस ढांचे को गिरा दिया गया था। इस दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग नहीं कर रही थी, गोडबोले ने कहा। हमने आकस्मिक योजना बनाई थी क्योंकि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही थी। हमने ये योजना बनाई थी कि उत्तर प्रदेश में अनुच्छेद 355 लागू किया जाए ताकि बाबरी मस्जिद की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को वहां भेजे जाएं और फिर वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सके। तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव अपनी शक्तियों को लेकर संशय में थे कि संविधान उन्हें इन हालात में राष्ट्रपति शासन लागू करने की इजाजत देता है या नहीं। राजीव कदम उठाते तो समाधान निकल सकता था, गोडबोले ने कहा। अगर राजीव गांधी कदम उठाते तो इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता था, क्योंकि उस वक्त दोनों पक्षों की राजनीतिक स्थिति मजबूत नहीं थी। समझौते की संभावना थी और समाधान को स्वीकार किया जा सकता था। राजीव बाबरी मस्जिद के ताले खोलने की सीमा तक गए और वहां मंदिर की आधारशिला रखी गई। यह काम तब हुआ जब राजीव प्रधानमंत्री थे। मैं इसीलिए उन्हें इस आंदोलन का दूसरा कारसेवक कहता हूं। पहला वह डीएम है जिसने इस सब को मंजूरी दी थी। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने बाबरी के ताले खोलने के आदेश दिए थे।